जस्ट वन सेकेंड, मैं एक बार अपने वीडियो को वो कर लेता हूँ स्पॉटलाइट। ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे गीता फॉर एवरीवन क्लास में। तो पिछले हफ्ते हम क्लास नहीं कर पाए थे कुछ कारणवश, बट इस वेनेसडे ऑल्दो मैं वृंदावन धाम में बैठा हुआ हूँ, बट स्टिल भगवान की कृपा से ये क्लास देने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैंने टॉपिक भी आज रखा है Appreciating वृंदावन धाम। तो हम जब पिछले हफ्ते क्लास लिए थे तो उसमें टॉप मोस्ट योगा सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे योगा लैडर में कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और टॉप मोस्ट योगा जो है वो भक्ति योगा है। तो अब जब हम ये जान गए कि भक्ति जो है वो सबसे उत्तम मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए, तो हमें ये भी अब समझना होगा कि उस मार्ग उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, जो स्वयं कृष्णा है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान भक्ति को समझाने के लिए खुद इस धरती पर आते हैं। तो भगवान कृष्ण जब आए तो भगवद गीता में उन्होंने कह दिया था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़ करके मुझे शरण लो, मेरी शरण लो। लेकिन फिर भगवान ने ये सोचा कि मैंने ऐसा कह तो दिया जीवात्माओं को, लेकिन इनको भक्ति क्या है वो सिखाएगा कौन, और मैंने खुद इनको ये चीज सिखाया नहीं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। तो वो सिखाने के लिए ही जो है चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट होते हैं। नवदीप बंगाल में जो मायापुर नाम से प्रसिद्ध है जगह, महाप्रभु प्रकट होते हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वृंदावनम धाम, जो वृंदावन है वहां जो भक्ति की जो प्रकाष्ठा है वो सबसे ज्यादा प्रकट हुई है। यदि किसी को भक्ति जानना है कि वास्तव में परम भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, तद धाम वृंदावनम आराध्य व्रजेस्तनया, तो कोई अगर आराध्य भगवान है तो वो है व्रजेस्तनया, वो व्रज के तनया भगवान श्री कृष्ण है। और अगर कोई भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो रम्या काच दुपासना व्रजवधु वर्गेन कल्पिता, तो व्रज वधु जो व्रज की गोपियां है वो सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। तद धाम वृंदावनम, और यदि भगवान के धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई धाम है तो वह है वृंदावन धाम। और इसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। तो आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में परम भगवान के रूप में भगवान कृष्ण को प्रस्तुत किया गया है, परम भक्तों के रूप में गोपियां को प्रस्तुत किया गया है, और भगवान के परम धाम के रूप में वृंदावन धाम को प्रस्तुत किया गया है। और भगवान बोलते हैं तत्रापि मतम इदम, ये मेरा मत है, स्वयं भगवान का मत है चैतन्य महाप्रभु का, कि यदि किसी को भक्ति जाननी है तो आपको वृंदावन आना चाहिए। और वृंदावन की जो भक्ति है वो हम गौड़ीय वैष्णव जो हम लोग जो परंपरा को फॉलो कर रहे हैं उसमें वृंदावन में जो भक्ति प्रस्तुत की गई है
उसको सबसे टॉप मोस्ट बताया गया है। तो ये धाम की अनेक महिमा है, कई संतों ने इसकी महिमा पर गाया है, इस पर लिखा है, कई सारे वैष्णव भजन है इस पर। हम आज थोड़ा वृंदावन के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है, या हजारों हजारों भक्त लोग जो हैं वो धाम में आते हैं, अनेक अनेक भगवान की लीला स्थली में जाते हैं और अपने भक्ति का वर्धन करते हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे भी ये अवसर मिला, इस बार कुछ भक्तों के साथ हम यहाँ पर हैं और अद्भुत ही यहाँ का एक माहौल है, यहाँ की एक अनुभूति है, यहाँ का एक एक्सपीरियंस है वृंदावन का। और कई भक्त जो है यहाँ हमें, जो इवन नया व्यक्ति भी आता है वो भी भगवान की भक्ति में रम जाता है, वो हम अपने आंखों से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो धाम है वृंदावन धाम, इसके बारे में अनेक ग्रंथों में आपको इसका महिमा पता चलता है। और हमारे जो आचार्य हैं, खासकर शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने भी कई सारे महात्म्य में और कई सारे किताबों में, कई सारे पोएट्री में, गीतों में वृंदावन के महिमा गाई है। जैसे एक गीत आता है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धामा। तो जो वृंदावन है वो रम्य स्थान है, ये आपके मन को रमा देगा, और दिव्य चिंतामणि धाम है, ये दिव्य धाम है, चिंतामणि धाम है। चिंतामणि मतलब यहाँ पर आपके जो भी मन में इच्छा है वो पूर्ण होते हैं, और ये धाम आपको कृष्ण भक्ति देने में बहुत सक्षम है। इनफैक्ट भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान क्योंकि एब्सोल्यूट है, भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम में कोई अंतर नहीं होता है। तो यदि हम वृंदावन धाम को स्पर्श भी करते हैं, हालांकि दिव्य धाम है तो हम इस भौतिक शरीर से वृंदावन को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ कितनी महिमा है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, निवास करते हैं, यहाँ के व्रज रज को अगर हम अपने शरीर में स्पर्श करते हैं, यहाँ पर के जो हवाओं को हम अपने अपने शरीर से जो स्पर्श होता है उसको महसूस करते हैं, यहाँ पर चलने वाले कीर्तन को हम जब सुनते हैं, यहाँ पर स्थापित विग्रह को हम जब देखते हैं, यहाँ पर बटने वाले प्रसाद को जब हम खाते हैं, तो ये सभी चीजों से हमारी इंद्रिया का शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रिया शुद्धिकरण होती है, वैसे वैसे ये धाम जो है ये अपने आप को हमारे सामने प्रकट करता है। देखिए, हम अपने इन चर्म चक्षुओं से या हम अपने इन ग्राह्य इंद्रियों से कभी भी भगवान के चीजों को नहीं समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी एक श्लोक में बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया। कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण के नाम को ये ग्राह्य इंद्रिया, ये जो ग्रॉस सेंसेस है, इससे हम नहीं समझ सकते। फिर हम कैसे समझ सकते हैं? सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत यदः। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के माध्यम से जो ये है, ये धाम और भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप हमें स्फुरत होता है हमारे हृदय में। कैसे? सेवा के माध्यम से। क्या सेवा हम कर सकते हैं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु पांच ऐसे तत्वों को बताते हैं जिनको करने से हमारी भक्ति में वर्धन होती है। वो पांच तत्व क्या है? सबसे पहला है भगवान के भक्तों का संग। तो जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो हमारी भक्ति वर्धन होती है। दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नाम का उच्चारण करना। तीसरा है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। भगवान के विषय में जो भी कथाएं बताई गई है उनके बारे में श्रवण करना। चौथा है भगवान के विग्रहों की सेवा करना, और पांचवा है भगवान के धाम में वास करना। तो जब हम धाम आते हैं तो हम ये वैदी भक्ति के लक्षण को पालन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम धाम में आते हैं तो हमें कोई बहुत दिव्य भगवान का लीला दर्शन होगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हम उस स्तर पे नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जब भक्ति करेंगे तो हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो वृंदावन धाम है ये बहुत स्पेशल है,
क्योंकि जब ओरिजिनल गोलोक वृंदावन था, भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में थे, तो उन्होंने श्री जब यहां पर आने का निश्चय किया तो आप देखिए ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो अभी आपको थोड़ा बता दूं, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 दिव्य युगा। तो एक दिव्य युगा में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये करके 40 लाख साल होता है एक दिव्य युगा। ऐसा 1000 दिव्य युगा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, केवल 12 घंटा, और ऐसी फिर एक रात होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान केवल एक बार अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, एक बार, और वो भी 28वें दिव्य युग में। तो ब्रह्मा जी के 28वें दिव्य युग में, जो 1000 दिव्य युग में 28वें दिव्य युग में भगवान जो है एक बार प्रकट होते हैं इस धरती पर। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये जो द्वापर युग गया अभी, ये ही वो समय था जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गोलोक धाम से यहाँ अवतरित हुए थे या प्रकट हुए थे। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने सर ऐश्वर्य, अपने पूरे गुणों को अपने साथ लेकर के प्रकट हुए थे इस धाम, इस धरती पर। तो जब भगवान यहाँ प्रकट होते तो अपने सभी सहचरों, अपने सभी जो है भक्तों को अपने साथ लेके आते हैं लीला करने के लिए। और भगवान के भक्तों में प्रमुख जो है वो है श्रीमती राधा रानी। तो जब भगवान ने राधा रानी से कहा कि हमें चलना है धरती पर और हमें लीला करनी है, क्यों लीला करनी है भगवान को यहाँ पर? कोई कहे क्यों भगवान यहाँ की लीला करते हैं? हमको आकर्षित करने के लिए, कि भगवान जानते हैं ये बद जीवात्मा है, ये लोग अगर मुझसे आकर्षित नहीं होंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं, और उन लीला को जब हम सुनते हैं, जब हम उन लीलाओं के स्थली पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तब हमारी शुद्धिकरण होती है, ताकि हम भगवान के धाम पुनः जाने के लिए योग्य बन जाए। तो जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो उन लीलाओं को करते हैं, तो उनको अपने सभी जो उनके जो बाल बाल गोपियां इन सबका सहयोग चाहिए। तो जब उन्हें राधा रानी से कहते हैं कि तुम्हें भी चलना है, तो राधा रानी कहती है मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। उनके कई शर्तें थे, 2-3 शर्तें थे, कि पहला मुझे गोवर्धन चाहिए वहां पर, दूसरा जो है मुझे यमुना नदी चाहिए, और तीसरा मुझे व्रजरथ चाहिए, मुझे वृंदावन पूरा धाम चाहिए। तो भगवान ने राधा रानी के सभी शर्तों को मानते हुए जो है एक ही उसमें सभी को लाया, सारे धामों को जो है पूरे वृंदावन धाम को भगवान ने प्रकट कर दिया यहाँ पर, है ना। तो फिर यमुना नदी को भी लेके आए और गोवर्धन को प्रकट किया एज इट इज। जो गोलोक धाम है भगवान के आध्यात्मिक जगत में, उस गोलोक धाम को भगवान ने एज इट इज यहाँ पर प्रकट कर दिया इस वृंदावन में। इसीलिए इस वृंदावन धाम में और गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस वृंदावन धाम को हम गोकुल धाम कहते हैं और भगवान के धाम को हम गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं। तो अब इसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा? क्योंकि वृंद देवी तुलसी महारानी का ये वन है। इसको एक्चुअली ब्रज कोश कहते हैं। ये 84 कोस है पूरा, एक कोस लगभग 2 किलोमीटर होता है, तो ऐसे करके कई बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और इसमें 12 वन है। यमुना नदी बहती है, यमुना नदी के एक और साइड 7 वन है, दूसरी और साइड 5 वन है। तो जैसे आपका हो गया महावन, बांडीर वन, फिर कुमुद वन, और फिर जो है ये आपका लोह वन, बेल वन, ताल वन, फिर एक हो गया वृंदावन, ऐसे करके जो है 12 वन है ना। और 12 वनों में भगवान ने अनेक लीलाएं की। तो भगवान जन्म लिए थे मथुरा में, और मथुरा में जन्म लेके फिर भगवान कहाँ आ गए थे? गोकुल आ गए थे। तो आपको पता है वसुदेव भगवान को लेकर के यमुना पार करके इधर गोकुल में आए थे, और गोकुल में आने के बाद जब है तो भगवान वहां पर लगभग 2 साल बिताए गोकुल में, और वहां पर उन्होंने अनेक लीला कही है, जिसमें से प्रसिद्ध लीला है पूतना का वध करना, त्रिनावर्त का वध करना, फिर वहां पर ब्रह्मांड घाट है जहां पर भगवान ने अपने मुख में माँ यशोदा को मिट्टी खाने की वजह से अपना मुख खोला था और अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, है ना।
और फिर जो है और वहां पर भगवान ने उखल बंधन लीला की थी, है ना। तो भगवान जो है वो एक अपने आप को उखल से, जो माँ यशोदा भगवान के नटखट होने के कारण उनको उखल से बांधती है, वो लीला भी वहीं पर भगवान ने रची थी, उखल बंधन लीला। और कई सारे लीला वहां भगवान ने की। लेकिन बहुत सारे असुरों के प्रकोप से जब सभी नंद महाराज और उनके सभी जो भाई सब लोग ने डिसाइड किया कि ये स्थान सही नहीं है हमारे कन्हैया के लिए, इसलिए सब लोग छोड़ करके फिर छठीकर आए, वहां पर 2 साल रुके और फिर जो है नंदगांव चले गए। ऐसे करके भगवान ने पूरा लगभग 11 साल, 10 साल, 8-9 महीना इस वृंदावन धाम में बिताया है। और यहाँ पर बहुत लीलाएं भगवान ने की, अपनी बाल लीला और कैशोर लीला, ये सारी लीला भगवान ने यहाँ पर की थी। तो कैशोर लीला में भगवान की कई सारी रासस्थली है यहाँ पर, जो राधा रानी के आ, आ, साथ उनने कई और गोपियों के साथ कई सारी जैसे लीला यहाँ पर रची थी भगवान ने। तो ये जो वृंदावन धाम है, ये कई गोस्वामियों का भजन स्थली रहा है, या अनेक अनेक भक्त आते हैं अपने भजन करने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए और एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। देखिए भक्ति में आपको एक चीज की बहुत आवश्यकता होती है, वो है एब्जॉर्प्शन, अपने मन को कैसे भगवान में एब्जॉर्ब कराए। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति अस्त्यत्र संशया। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अंतिम समय में केवल भगवान को स्मरण करें और कुछ भी स्मरण न करें। तो क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हम कई प्रकार के अनेक अनेक चीजों में जुड़े हुए हैं और हम कई प्रकार के चीजों को स्मरण कर रहे हैं अपने दैनिकचर्या में। हाँ, हम अपने घर गृहस्थी काम धंधा सब में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि पूर्ण सिद्धि क्या है मनुष्य जन्म की? जब एक व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर के भगवान को स्मरण करे। क्योंकि भगवान गीता के में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवती कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो जो आप स्मरण करते हो अंत कलेवरम, जब आप अपने शरीर को छोड़ोगे तो जो आपको स्मरण होगा अंत काल में, वही आपको शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो हम भक्तों का लक्ष्य क्या है कि हे भगवान, अंत काल में मैं आपका स्मरण हूं। तो अगर आपको किसी व्यक्ति का स्मरण करना है तो उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं उसके बारे में स्मरण होगा, तभी उस व्यक्ति का स्मरण होगा। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि भगवान से जुड़ी जो भी चीजें हैं, उनका नाम, उनके लीला, उनके गुण, उनका धाम, हम इससे जुड़ते हैं। तो जब हम ये धाम आते हैं, वृंदावन धाम, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन को भगवान में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो लोग भी आते हैं वो लोग कथा कीर्तन ये सब में जुड़े रहते हैं भगवान के। तो जितना मैक्सिमम हो सके दिन भर में भगवान को स्मरण किया जाए, तो जितना स्मरण होगा उतना हमारा माइंड जो है वो भगवान में एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे। तो इसीलिए यहाँ पर कई सारे गोस्वामी, बड़े महान महान जो तपस्वी लोग, योगी लोग, भक्त सब आते हैं और यहाँ पर जो है तपस्या करते हैं। वृंदावन एक तपोभूमि है, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ पर कई ऐसे भक्त लोग आते हैं। तो प्रमुखतः भगवान के सेवा 5 रसों में होती है ना। 5 रस में भगवान की सेवा की जाती है, जिनमें से पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है साक्ष्य रस, फिर है वात्सल्य रस और फिर है माधुर्य रस। तो 5 रस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। शांत रस में क्या है, जैसे वृंदावन के पेड़, यमुना नदी, हाँ वृंदावन की भूमि, ये सब भी भगवान की सेवा करती है। कैसे सेवा करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान मान लो गाय चराने जा रहे हैं, तो सूर्य क्या हो करेगा, सूर्य जो है वो अपना तेज बढ़ाता है ताकि थोड़ा भगवान को गर्मी लगे। जब भगवान को गर्मी लगती है तो क्या होता है, यमुना बह रही है तो हवा जो है वो क्या करती है, यमुना से जल को स्पर्श करते हुए ठंडी ठंडी हवा लेकर के भगवान के शरीर को स्पर्श करती है और पेड़ उन पर छांव बन जाता है और फूल महकते हैं ताकि भगवान को अच्छी सुगंध आए। इस प्रकार सभी जो वस्तुएं हैं जो एक प्रकार से हमें निर्जीव लगते हैं इस संसार में, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। यह है शांत रस की सेवा, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं यहाँ पर। फिर हम दास्य रस की सेवा देखेंगे। तो दास्य भाव में क्या है, जैसे भगवान के कई सखाएं हैं जो उनके चरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। दास्य रस आप सब जानते हैं, एक एक
सेवक के रूप में, भगवान के दास के रूप में अपने आप को मानना और भगवान की सेवा करना, भगवान को अलग अलग जो है अलग अलग उपहार चढ़ाना, उनको फूल की माला चढ़ाना, उनकी आरती उतारना, अलग अलग सेवा में करते हैं, कई अनेक दास्य भक्त है। तो दास्य रस और शांत रस तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप देखो कि वृंदावन में जो स्पेसिफिक है वो ऊपर के जो तीन रस है, सात्य वात्सल्य और माधुर्य, इसका प्रकार रूप प्रकट होता है यहाँ पर। इसमें आप देखोगे यहाँ के जो भक्त है ये सात्य वात्सल्य और माधुर्य में बहुत ज्यादा इंटीमेसी है, भगवान के साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक निकटता ये लोग जो है मेंटेन करते हैं भगवान के साथ। और ये जो तीन रस जो है यहाँ इसकी प्रधानता आपको दिखती है ना। तो जैसे सात्य रस में क्या होता है, तो भगवान के मित्र जो है, मित्रगण जो है, तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ आंख मिचोली खेलते हैं, हाँ वो लोग कबड्डी खेलते हैं भगवान के साथ, और वो लोग जो है भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कभी आप सोच सकते हो ऐसा कि कोई हम अपने भगवान इष्ट देव के कंधे पर चढ़ रहे हैं और आंख मिचोली खेल रहे हैं उनके साथ, नहीं। लेकिन वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान ये मौका देते हैं अपने भक्तों को कि तुम मेरे साथ जो करना कर लो, मैं तुम्हारे साथ बहुत इंटीमेट हूं, मतलब मैं अपने आप को ऐसा प्रस्तुत नहीं करूंगा कि मैं भगवान हूं। तो भगवान अपने सखाओं के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आज ही हम भांडिलवन गए थे तो वहां पर भगवान जैसे अपने सखाओं के साथ ये गेम खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे, या और उसमें एक गेम खेलते खेलते उन्होंने कहा कि जो हारेगा वो जो जीता है उसके कंधे पर बैठा करके, अपने कंधे पर बैठा करके उसको लेके जाएगा। तो भगवान जो है, भगवान जानबूझ के हार जाते हैं और भगवान अपने मित्रों को कंधे पर बैठा के लेके जा रहे हैं। तो हम लोग वहां पर एक भांडिल बैठ करके जगह है उसके नीचे बैठे थे, वहां पर भगवान लंच बॉक्स लेके आते हैं और सभी जो गोप सखा लोग है वो भगवान से लंच खाते हैं। उसमें क्या करते हैं कभी कभी कि भगवान जो है जैसे मधुमंगल है, लड्डू खाया तो भगवान से गाल को मार करके उसके मुंह से झूठा लेके भगवान खा लेते। आप सोचिए कभी हम भगवान झूठा खाते प्रसाद के रूप में, लेकिन यहाँ भगवान अपने भक्तों का झूठा खा रहे, क्यों, इंटीमेसी है ये गोप सखा। तो ये लोग कभी भी ये नहीं, हालांकि भगवान इनके सामने कितने असुरों को मारते हैं, भगवान जो है जब भी अपनी लीला करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के सामने, इन सखाओं के सामने कितने असुरों को मारते हैं। हर दिन भगवान का नियम था कि जब भी कोई एक जाएंगे खेलने के लिए तो असुर को मारेंगे, फिर लंच करेंगे तो असुर को मारेंगे। तो जैसे आज एक डिवोटी बता रहे थे कि कंस जो है वो भगवान का मामा था, तो आप देखोगे मामा जो होते हैं वो कई सारे गिफ्ट लेके आते हैं अपने भांजे के लिए, तो ऐसे ही कंस जो है हर दिन जो है अपने भांजे के लिए अनेक अनेक गिफ्ट भेजता था, क्या गिफ्ट में, असुर। तो आप देखोगे बच्चे जो है वो गिफ्ट के साथ खेलते हैं और फिर खेलने के बाद क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, खिलौना को तोड़ देते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जो है हर दिन का नियम था, जाते थे गाय चराने के लिए, वो कम से वहां से असुर भेजता था और भगवान थोड़ा देर खेलते थे उसके साथ और उसको मार देते थे, ये उनका हर दिन का रूल था। तो हालांकि सारे ग्वाल बाल, सारे जो उनके सखा है वो देख रहे हैं कि भगवान अभी कालिया पर ना डांस कर रहे हैं, गोवर्धन उठा लिए हैं भगवान, या भगवान जो है वृतिनावर्त को मारे, पूतना को मारे, फिर भी वो कभी ये नहीं बोलते थे कि तुम भगवान हो। वो बोलते थे कि हम में तुम्हें कोई भेद नहीं है ना, हम एक समान है। और भगवान भी कभी उनको फील हो जाते कि तुम जो है मैं महान हूं और तुम जो हो तुम इन्फीरियर हो, कभी नहीं। भगवान जो है उनको यही बताएंगे कि नहीं, मैं तुमसे कोई बाहर नहीं हूं, हम सब समान है। और ये इंटीमेट रिलेशनशिप होता था, सोचिए कितना आनंद आता होगा उसमें। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि अरे इन सखाओं का मैं क्या वर्णन करूं, कई करोड़ों जन का पुण्य इन्होंने क्या किया होगा जिस पुण्य के लिए आज ये लोग भगवान से ऐसा गेम खेल रहे हैं, भगवान से आंख मिचोली खेल रहे हैं, भगवान से लुका छुपी खेल रहे हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं, भगवान को पकड़ रहे हैं, और भगवान के कभी भगवान का वो लोग चरण दबाते, कभी भगवान को चरण दबाते थे, इतने प्रिय थे ये लोग भगवान को, इतने प्रिय थे कि भगवान के सखागण जो है जब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते थे, जब अपना लंच के लिए, तो हालांकि दूर दूर तक कई सारे गोप सखा थे सब बैठते थे, लेकिन भगवान हरेक को ऐसा फील होता था कि कृष्ण मेरे साथ पर्सनली आदान प्रदान कर रहे हैं हरेक को, है ना। इतना इंटीमेट भगवान इनको एसोसिएशन दिया था, इतना अच्छा फ्रेंडशिप
भगवान ने इनको मौका दिया था। तो ये भगवान लीला क्यों करते हैं? हम लोग को दिखाने के लिए कि अरे तुम इस दुनिया में फ्रेंडशिप ढूंढते हो लेकिन तुम्हारा सच्चा फ्रेंड कोई नहीं है वास्तव में, तो मुझसे दोस्ती करो, अगर तुम मुझसे मित्रता करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सौभाग्य दूंगा और मैं तो इतना इंटीमेट हूं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो, अपने मन की बात शेयर कुछ भी कर सकते हो, एक फ्रेंड की तरह, एक सखा की तरह। तो इसलिए भगवान यहाँ की लीला करते कि तुम अगर असली फ्रेंड ढूंढ रहे हो, और भगवान कहते भी हैं गीता में सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं वास्तव में जीवात्मा का सबसे अच्छा फ्रेंड हूं। तो भगवान ये क्लेम करते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई हमारा सुहृद है, कोई अगर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, कोई फ्रेंड है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमें उनको ही अपना मित्र मानना चाहिए और एक प्रयास करना चाहिए, भगवान कब हमारा भी वो दिन आएगा जब हम भी आपके साथ ऐसे वनों में खेलेंगे और घूमेंगे। प्रभुपाद जी एक सुंदर गीत लिखते हैं और उस गीत में वो लिखते हैं, कबे आमे वन हेरिबो, कबे कब वो दिन आएगा भगवान जब मैं आपके साथ वन में खेलूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, लोटपोट होऊंगा मैं और आपके साथ ऐसा इंटीमेट हमारा हम लीला में भाग लेंगे। ये है साख्य रस, इसके ऊपर वात्सल्य रस ये और इंटीमेट है, जहां भगवान अपने आप को एक बच्चे की तरह प्रस्तुत करते हैं और नंद महाराज यशोदा मैया को वो सौभाग्य देते हैं कि वो लोग भगवान को डांट सके, फटकार सके। जैसे भगवान कृष्ण जो है वो नंद महाराज को कहते हैं कि नंद महाराज कहते हैं उनको, जाओ मेरा चप्पल उठा के ले आओ, छोटे से बालक है अपने सिर पर सैंडल उठा के लेके जाते हैं वो भगवान जो है सोचिए भगवान। अभी यशोदा मैया उनको छड़ी दिखा रही है तो भगवान डर रहे हैं, हाँ इस महीने में वो दामोदर लीला हुई, भगवान डर रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। एक ब्रह्मांड घाट हम लोग गए थे कल, तो वहां पर भगवान ने अपने मुख में मिट्टी खा ली तो माँ यशोदा ने कहा दिखाओ तुम्हारे मुख में मिट्टी कैसे, तो भगवान ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। उस ब्रह्मांड में भगवान ने यही वृंदावन भी दिखाया और उसमें गोकुल धाम दिखाया, और उसमें भी यशोदा देखती है कि मैं कैसे कृष्ण को डांट रही हूँ, कृष्ण का मुख में देख रही हूँ। तो यशोदा माँ पूरा बिल्डर हो जाती है, पूरी तरह जो है एकदम वो सोच नहीं पाती मैं क्या करूं, और वो बिल्डर वो ऐसे स्थिति में आकर के फिर सोचती है अरे नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है, ये तो मेरा काना है, ये तो मेरा लाडला है। तो यशोदा माँ जो है अपने आप को ऐसा ही प्रस्तुत कर हमेशा, योग माया उनको ऐसे ही समझाती कि अरे नहीं तुम इसकी माँ हो, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरी माँ जो है वो मुझे भगवान की तरह ट्रीट करे, वो यही चाहता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे को एक बच्चे की तरह ट्रीट करे और मेरे को डांटे, मेरे को फटकारे, मेरे को पनिशमेंट दे, वो हमेशा भगवान यही चाहते हैं। तो ये वात्सल्य है, तो भगवान ये वात्सल्य का भाव को भी यहाँ वृंदावन में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप जब नंद भवन जाओगे, नंद गांव जाओगे, ऐसी जगह जाओगे तो आपको ये पूरा महसूस होगा कि कैसे एक लाला की तरह इसको, एक बालक की तरह वहां पर ट्रीट किया जाता है वात्सल्य रूप में। और फिर इससे जो टॉप मोस्ट रस आता है वो है माधुर्य रस। तो वृंदावन में भगवान जो है माधुर्य रस को भी प्रकट करते हैं अपने गोपियों के साथ लीला करके। तो खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, परंपरा में ये माधुर्य रस को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, इसको महत्व दिया गया है, क्योंकि ये इसमें जो इंटीमेसी भगवान ने प्रस्तुत किया है वो सभी से उच्चतर माना गया है। तो खास करके हमारे वैष्णवाचार्य में माधवेंद्रपुरी जब आए तो उन्होंने इस रस को उजागर किया और उन्होंने ही राधा कृष्ण की उपासना को सबसे टॉप मोस्ट उपासना बताई, सबसे ऊंची उपासना बताई राधा कृष्ण की उपासना को। तो माधवेंद्रपुर से पहले राधा रानी को लोग उतना वर्शिप नहीं करते थे या उनकी महिमा जानते नहीं थे, क्योंकि माधुर्य रस उतना इस संसार में प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन माधवेंद्रपुरी हमारे एक ऐसे आचार्य आए जिन्होंने माधुर्य रस को प्रकट किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके ही शिक्षा को लेते वक्त हर एक, आप देखोगे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में आपको राधा कृष्ण के विग्रह मिलते हैं। हाँ तो कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का तो विवाह नहीं हुआ था तो कैसे ऐसे ये लीला चल रही है। हालांकि गुप्त रूप में उनका विवाह भी हुआ था, आज ही हम भांडीरवन जाके आए हैं वहां पर एक स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह भी किया था, तो ये गुप्त लीला थी। लेकिन जनरली भगवान परकीया भाव को प्रकट करते हैं। तो दो प्रकार के माधुर्य रस होते हैं, एक है स्वकीय भाव, एक है परकीय भाव। स्वकीय भाव में भगवान जो है वो गोपियों से विवाह करके, जैसे आप देखोगे 16,100 रानियां थी भगवान की द्वारका में, वो स्वकीय भाव था। लेकिन दूसरा है परकीय भाव। परकीय भाव में भगवान जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो एक लीला है उसको प्रस्तुत करते हैं।
क्योंकि अगर आप देखोगे इस संसार में भी जितना आनंद एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेते हैं एक दूसरे से मिलने में, छुपने में, लुका छुपी करके मिलने में, उतना इवन हस्बैंड वाइफ भी शायद वो आनंद वो लोग उतना नहीं ले पाते हैं। तो परकीय भाव को प्रजेते प्रचार, परकीय भाव को प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं श्याम सुंदर जी इस वृंदावन धाम में प्रकट हुए और अनेक लीलाएं जैसे आपने सुना होगा निधिवन है, सेवा कुंज है, वंशीवट है, ऐसे स्थानों में भगवान गोपियों से लीला करते थे। लेकिन ये कोई मुंडन नहीं है, ये कोई एक आप देखोगे कोई एक लड़का लड़की का साधारण कोई लीला नहीं है, ये बहुत ही उच्चतम लीला है। तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए और समझना चाहिए भक्तों के सानिध्य में, नहीं तो हमसे अपराध हो सकता है, हमसे गड़बड़ी हो सकती है। तो माधुर रस में गोपियां जो है इवन भगवान स्वयं भागवतम में कहते हैं, ना पा रहे हम ये गोपियां तुम्हारा जो निश्चल प्रेम है मेरे प्रति, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हालांकि भगवान स्वयं ब्रह्मांड के नायक है, वो तीनों लोकों के स्वामी है, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास इस संसार में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम इतना आगाढ़ है, तुम्हारा प्रेम इतना निश्चल है मेरे प्रति कि मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम अपना जो तुम्हारा प्रेम है मुझसे प्रेम करके ही अपने आप को संतुष्ट कर लो, ये भगवान गोपियां से कहते हैं। और सही में वृंदावन में जो आप भाव है गोपियों का भगवान के प्रति आप देखोगे वो इतना प्योर है, इतना प्योर है कि अगर प्रेम की बात किया जाए तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आत्मेंद्रिया प्रति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई जो काम किया जाता है उसको काम कहते हैं, वो लस्ट है, और जो भगवान के इंद्रियों को खुश करने के लिए किया जाता है वो है प्रेम। और गोपियों ने वही किया, गोपियों के मन में यही भाव था कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, है ना। तो ये वृंदावन धाम है, बड़ा अद्भुत धाम है। देखिए यहाँ के परिवेश में घुसते ही आपको एक भक्ति का आपको एक आपके अंदर उजागर हो जाएगी, क्योंकि ये जो भक्ति है ये हमारे हृदय में ऑलरेडी है। नित्य कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, शुद्ध चित्त करय करय उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हमारे हृदय में नित्य से विराजमान है, ऑलरेडी वो है, बट ये कभी भी ये कैसे उजागर होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्त है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण आदि मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जब सेवाओं में लगते हैं भगवान की करे उदय, वो उजागर होता है। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है जहां पर आपका प्रेम भगवान के प्रति उजागर हो जाता है, ये प्रेम जो है ये भगवान के प्रति उजागर हो जाता है। कने कई लीला है, मैं कुछ दो तीन दिन पहले एक लड़के से मिला, उसकी उम्र केवल 18 साल थी, तो वो मैं उनसे पूछा कि आप वृंदावन धाम आपको कैसे आ पाए, वो कोई बाहर से ऐसी लड़का आया था। उसने कहा कि एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ, वो प्रयागराज में रहता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था इधर जयपुर, तो जयपुर पास में वृंदावन राजस्थान से टच करके उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर में आता है, तो मैं जा रहा था, तो अचानक उसने कहा कि चल यार वृंदावन चलते, थोड़ा घूम के आते देखते क्या है। तो आए तो यहाँ पर फेमस मंदिर है बांके बिहारी जी का मंदिर। तो ये लड़का जो है ये कुछ नहीं खाया था सुबह से, बहुत भूखा था, ये आया और बांके बिहारी मंदिर में जस्ट गेट के पास खड़ा था और भगवान को देख करके मन ही मन सोचा था भगवान पहले मुझे कुछ खाने को मिल जाए, बहुत भूख लगी है, कुछ भी मैंने मुझे पहले कुछ खा लूं, अभी मैं क्या सोचूं वृंदावन के बारे में, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। तभी एक लड्डू इसके आकर के इसके गाल पे थप से लगा, उसका मुंह खुला और लड्डू का टुकड़ा उसके मुंह में चला गया। ये पूरा एकदम अवाक खड़ा रह गया वहां पर, ये बोला अरे बाप रे बाप ये क्या है, और बहुत टेस्टी लड्डू था। उसी दिन से इसके मन में विश्वास आ गया कि अरे भगवान तो यहाँ सब सुनते हैं, एक्चुअली ये फैक्ट है, वृंदावन में एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, यहाँ जो इच्छा करते हो पूरी होती है, जो इच्छा करोगे पूरी होगी। तो इस भक्त का फिर इतना विश्वास बढ़ गया कि ये रेगुलर आने लगा और ये हर साल जब भी कुछ भी इसके जीवन में या तो कुछ इसको कुछ तनाव आ रहा है, कुछ ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये तुरंत वृंदावन आके सेटल ले लेता है कि नहीं यहाँ चल जाएंगे, भगवान सारी समस्या दूर कर देंगे और जो है मेरा मन शांत हो जाएगा।
तो वृंदावन जो है ये सभी की इच्छा को पूर्ति करता है। एक और लड़का एक आया था, एक दिल्ली से एक बार यहाँ पर, तो उसके माता पिता के साथ आया था। 2 दिन के लिए वो आया था। तो 2 दिन बाद माता पिता चले गए। बेटे ने कहा कि मैं 2 दिन और रुक के आऊंगा। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा जल्दी आना। ठीक है, एक हफ्ता बीत गया, नहीं आया ये। फिर माँ बाप ने फोन किया, बोला बेटा तू क्यों नहीं आ रहा? बोला मैं और रुकूंगा यहाँ पर, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये कभी गया ही नहीं वापस। इसको ऐसी वृंदावन की हवा लगी कि इसने क्या करते थे ये, एक पेड़ के नीचे यमुना के किनारे श्री राधा, खाली श्री राधा लक अंगुली से लिख करके दिन भर उसका भजन करते थे, राधा रानी का, कृष्ण का नाम लेते थे, और भजन करने के बाद रात को उसको मिटा करके चल जाते थे। तो क्या होता था, जब एक बार एक दिन ऐसी रात को हाथ से मिटा रहे थे तो इनके हाथ में एक चीज महसूस हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने खोदा तो देखा एक राधा रानी का विग्रह निकला, और राधा रानी के नीचे कृष्ण का विग्रह निकला। तो दो विग्रह इनको मिल गए, भगवान की डीटी, भगवान की मूर्ति इनको मिल गए। तो इन्होंने सोचा मैं क्या करूं अब इनका। तो ये किसी घर में गए, उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारे यहाँ पर एक क्लॉजेट है, मतलब एक वो एक घर का बरंडा है। व्रजवासी बहुत साधारण होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, उनको जगह दे दिया, आप यहाँ रहिए और अपने इस विग्रह की सेवा कीजिए। तो छोटे से उस गली में ये दिन रात वो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करते थे, उनके लिए भजन गाते थे, यमुना से जल लाते थे, मधुकरी करके जो मिलता था उनको भोग लगाते और खाते थे। तो एक बार हमारे बहुत बड़े आचार्य या भक्त है इस्कॉन में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो वो जब इस्कॉन में नहीं आए थे तो उसके पहले वृंदावन में कुछ साल बिता रहे थे, और वो भी ऐसी मधुकरी कर रहे थे क्योंकि वो एक गुरु के तलाश में थे। तो वो घूमते घूमते इनके इस गली में आ गए और ये इन्होंने उनका विग्रह को देखा, दर्शन किया, तो कुछ मित्रता हो गई। उस व्यक्ति का नाम था घनेश्याम, और उस समय उसकी उम्र लगभग 60-65 साल हो चुकी थी, मतलब वो पिछले 30-40 सालों से वृंदावन में था। और जब महाराज आए तो 30-40 साल से सेवा करा था। महाराज आए, राधा महाराज जो उस समय कुछ 22-25 साल के हुए होंगे, एक नौजवान व्यक्ति हुए होंगे, तो उन्होंने वो जैसे ही वहां गए तो उन्होंने कहा ओ कम यू आर गोपीजन वल्लभस फ्रेंड, तुम गोपीजन वल्लभ के, उस विग्रह का नाम था, उसके तुम मित्र हो। तो वो उनको रोटी खाने देते थे ये जो घनश्याम। तो 3 दिन ऐसा चला गया, जब एक बार महाराज बाहर निकले तो किसी ने उनको कहा अरे तुम जानते हो तुम्हारे वजह से ये घनश्याम 3 दिन से भूखा है। बोले क्या? कि जो भी वो मधुकरी खाते हो। तो नेक्स्ट दिन जब ये गए तो उन्होंने कहा घनश्याम से, घनश्याम मैं ये और तुमसे कुछ खाना नहीं लूंगा, ये तुम्हारा है, तुम मधुकरी किए हो, तुम खाओ। तो कहा नहीं, तुम गोपीजन वल्लभ के मित्र हो और मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मित्र हो, मेरा दास हूं। उसकी भावना क्या थी कि जो भी इस विग्रह को दर्शन करने आता है वो भगवान का मित्र है और मैं उनका दास हूं। तो वृंदावन में बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ जो भी चीज क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम होता है, गर्मी तो बहुत गर्मी, ठंडी तो बहुत ठंडी। तो बहुत ठंडी थी, तो ये महाराज आए इसके ही ये गली में सोने के लिए, तो बहुत ठिठुर रहते, रात को सो रहे थे। रात को उनको फील हुआ कि किसी ने उन पर कंबल उड़ाया है, उठ के देखे तो कंबल ओढ़े हुए हैं और जो घनश्याम है ये 65-70 साल का बूढ़ा व्यक्ति ठिठुर रहा है, ठंडे ठिठुर रहा है। तो महाराज सोचा अरे ये अपना कंबल मुझे उड़ा दिया। कंबल को धीरे से ले जा करके घनश्याम के ऊपर उठते हैं तो वो उठता है, नो नीड नो नीड, तुम गोपीचंद वल्लभ के मित्र हो, मैं दास हूं, तुम मित्र हो, मैं दास हूं। और ऐसे जब दोनों में जो है युद्ध होने लग गया। देखिए संसार में युद्ध होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन व्रज में क्या युद्ध हो रहा है, तुम्हारा है, तुम लो सुविधा, पहले मैं तकलीफ पाऊंगा लेकिन तुम सुविधा लो, ये वृंदावन है। भागवतम में वृंदावन के बारे में कहा गया है कि वृंदावन में इवन शेर भी जो है वो अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग देता है, और शेर और हिरण भी जो है वो एक भाईचारे के साथ गले लगते हैं और ऐसे रहते हैं, या हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि प्रेम प्रेवलेंट है यहाँ पर, प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि यहाँ हिंसा की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती किसी के अंदर। तो जब हम इस धाम में आते हैं वृंदावन धाम में, हम लोग को भी यही चीज को महसूस करना है कि हमारे अंदर अब हिंसा की प्रवृत्ति
जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति और ये जो मैं मेरा ये जो सेल्फिश डिजायर, इसकी प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए, इसको त्यागना चाहिए, तभी हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। तो ऐसे करके कई साल बीत गए, तो महाराज जो है बाद में इस्कॉन में आ गए, फिर इस्कॉन के सेवा के भाग चले गए। 11 साल बाद वो आते वापस वृंदावन और वो वही घर जाके बोलते हैं कि कहाँ गया घनश्याम, तो उन्हें कहा बैक टू गॉडेड, वो भगवतधाम चले गए। तो बोले क्यों, बोले उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे लिए विग्रह है उनकी प्रॉपर से सेवा हो जाए, और अगर किसी व्यक्ति कोई सेवा ठीक से हो जाए तब मैं शांति से शरीर छोड़ पाऊंगा। तब एक मंदिर, एक ट्रस्ट ने मंदिर बनाया लेकिन विग्रह नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप अपने विग्रह हमें दे दीजिए। तो उन्होंने अपने विग्रह को स्थापित कर दिया और कुछ ही दिन में शरीर छोड़ दिया। ऐसे हैं व्रजवासी यहाँ पर, जो लोग अपना पूरा जीवन केवल कृष्ण के भजन भक्ति में लगा रखे। इसीलिए इन ऐसे भक्तों के मौजूदगी से ये धाम आज इतना इसके जो महिमा प्रकट हुई है। देखिए, हमें धाम हो चाहे भगवान का नाम हो, भगवान के गुण रूप लीला हो, ये हम अपने आप से नहीं समझ सकते हैं। जब तक कोई भक्त हम पर कृपा ना करे तब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, ये धाम की महिमा को। तो इसीलिए ये वृंदावन धाम है, कार्तिक का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर कि अगले साल आप सब लोग को हम यहाँ लेके आए और इस कार्तिक में ये यात्रा में आप सब भाग लें। तो इस साल तो हमारी यात्रा कार्तिक में नहीं हो पाई वृंदावन की, लेकिन हम मिनी वृंदावन जाने वाले हैं 30 तारीख को गोवर्धन इको विलेज। तो वही जो मैं महाराज का बताया, परम पूज्य राधानाथ महाराज की कृपा से आज हमारे मुंबई में भी उन्होंने अपने इच्छा से एक वृंदावन प्रकट कर दिया है। तो धाम एक तो ओरिजिनल धाम होता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त अपनी इच्छा से कहीं भी धाम प्रकट कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जितने भी इस्कॉन के मंदिर है वो सब धाम है, वो सब वैकुंठ धाम है, वृंदावन धाम है वो। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की नित्य सेवा हो रही है, हरिनाम हो रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा हो रही है और भक्तों का समागम है वहां पर। तो इसीलिए राधानाथ महाराज ने पूरे इस वृंदावन का रेप्लिका मुंबई में 100 एकड़ जमीन में पूरा बना दिया है। वहां पर भी आपको गोवर्धन का दर्शन होगा, वहां पर भी आपको यमुना का दर्शन होगा, वहां पर भी आपको प्रमुख मंदिर जो वृंदावन बनाए गए वो मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वन डे ट्रिप जो है संडे 30 अक्टूबर को हम जा रहे हैं वहां पर, इसको मिस मत कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होगा और आपको वही फीलिंग आएगी जो आपको अगले साल जब वृंदावन आओगे तो आएगी, वो फीलिंग अभी वहीं से आएगी। तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस कर लो उस फीलिंग की यहाँ जा करके। तो अगर संभव है तो सब लोग उस यात्रा में आइए एक दिन का। वहां हम कथा कीर्तन ड्रामा बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए अभी ये आपको स्क्रीन शेयरिंग पर वो दिखा रहे हैं इसका पोस्टर शायद। तो ये हमारा पोस्टर है इस पर, और हम इसको आपको ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं बार बार। तो हमें बस बुकिंग करनी है, सारे अरेंजमेंट करने हैं 20 तारीख तक, कल आखिरी दिन है। तो इसलिए आप लोग जो है देव दिव्यदास प्रभु जी जो है उनको कांटेक्ट कीजिए, और या आपने जो भी आपके फैसिलिटेटर हैं, जो भी आपको कॉलिंग करते हैं, आप जिनसे फैसिलिटेट करते हैं आपको, उनको कॉलिंग कीजिए, मुझे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई शंका हो तो, आप रजिस्टर कीजिए इस पर। इसका कुछ हमने मिनिमल चार्ज रखा है तो वो डिटेल इसमें है, खाली वो ट्रैवलिंग कॉस्ट है और जो प्रसाद हम वहाँ ले गए उसका कॉस्टिंग है। तो आप उसको आप प्लीज रजिस्टर कीजिए और इसमें आइए। मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप जानोगे क्या धाम होता है। तो ये जो धाम की महिमा है ये बहुत ही अद्भुत है, और ये एक्सपीरियंस आपको जब होगा तो आपको भक्ति में आपको बहुत प्रगति करने का और उत्साह मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ वृंदावन धाम में बैठ करके आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह हमारा बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर है, श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई का, हजारों हजारों भक्त आ रहे हैं, पूरा उत्सव लगा हुआ है यहाँ, मेला भक्तों का पूरा उत्सव है। कितने भक्त सुबह 4:30 बजे लगभग 2 से 3 हजार भक्त लोग होते हैं मंगल आरती अटेंड करते हैं सुबह सुबह 4:30 बजे। हर दिन हम भी जाके देखते हैं, पांव रखने की जगह नहीं होती, इतना भीड़ है सुबह सुबह 4:30 बजे, इतना उत्साह है। 24 घंटा कीर्तन चल रहा है,
कहीं भी आप जाइए राधा कृष्ण का आपको नाम सुनने को मिल रहा है। क्या महोत्सव चल रहा है यहाँ पर, बड़ा ही आनंद है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप लोग वहां है तो मैं यहाँ पर बैठ करके आप भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भक्ति आगे बढ़े, आपको प्रेरणा मिले और आप प्रभुपाद जी के कृपा जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और अपने भक्ति में आप आगे बढ़िए। ये मेरी प्रार्थना रहेगी यहाँ पर आप सबके लिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो आप मुझे बोल सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपको सुनाई दे रहा है प्रभु जी? यस माता जी। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है नीलेश ओक। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गीता के ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि वेद व्यास ने गीता जब लिखा है वो 18 साल कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद लिखा है और वो गुफा में जाके लिखे है उन्होंने। और जो कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दिए हैं वो गीत के छंद में नहीं, और वेद व्यास जी ने जब लिखा है वो गीत के छंद में लिखा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ऐसे गीत गा के तो अर्जुन को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो ये कितने सच है इसमें? तो देखिए, भगवत गीता जो है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। तो अगर आप गीता के श्लोकों को पढ़ोगे तो ये तो नॉर्मल संस्कृत है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन पहले जब लोग बोलते भी थे तो बोलने की पद्धति थी, जिसमें आप देखोगे एक पर्टिकुलर छंद में उसको लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदव्यास जी ने अपने मन से गड़प करके किया है, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा है जो कृष्ण ने कहा है, क्योंकि वेदव्यास स्वयं भगवान एक कृष्ण सत्तावीस अवतार है। तो जो श्लोक हम पढ़ते हैं गीता में वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए, अगर उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो फिर उसका वैल्यू क्या रह जाएगा, समझ रहे? तो इसीलिए इसमें कोई सच्चाई, इसमें शायद सच्चाई नहीं है कि वेदव्यास ने कुछ इसमें अल्टर किया या कुछ किया, नहीं, उन्होंने एज इट इज लिखा है और वही शिला प्रभुपाद जी ने एज इट इज हमें प्रस्तुत किया है। तो जब हम गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं तो आप यही समझिए कि यही वाणी, यही वर्ड्स भगवान ने अपने मुख से निकाले, तभी तो जब हम पढ़ते तो हम पवित्र होंगे। तो जिस तरह भगवान के चरण से निकली हुई गंगा हमें शुद्ध करती है, उसी तरह भगवान के मुख से निकले हुए वर्ड्स हमें शुद्ध करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है माता जी? जी जी जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई और प्रश्न कमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि अभी आपने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि अपना ये यमुना जी है और ब्रह्मांड घाट है, ये सब मतलब एक जगह पे है, और जो भगवान के धाम है वो सब अलग अलग जगह पे है क्या? नहीं, यहाँ पर आप देखोगे एक तो बहुत डिस्टेंस में, क्योंकि जब द्वापर युग में 5000 साल पहले तो ये जो वृंदावन है, जो व्रज कोष है, ये पूरा 84 कोस में लगभग 150 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो जैसे मान लो आप गोवर्धन जाओगे तो यहाँ वृंदावन से आपको कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, फिर वहां से बरसाना 25 किलोमीटर दूर है। क्योंकि जब भगवान लीला करते थे अपनी, तो पहले तो क्या है, ये सब थोड़ी गाड़ी वड़ी सब था, चल के करते थे लोग। और भगवान जो है, तो आप सोचिए, जरा अनुमान लगाइए, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, आप 9 लाख गाय को खड़ा भी करोगे तो वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, आप सोचिए। तो इसीलिए वो इतना बड़ा एरिया उनको चाहिए रहेगा ना, इतनी सारी गायें थी यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत विस्तार रूप में फैला हुआ है। अगर आप वृंदावन आके देखेंगे तो कई किलोमीटर आपको जाना पड़ता है गोवर्धन के लिए, बरसाना नंदगांव के लिए। लेकिन हमारे गोवर्धन इको विलेज में सब चीज आपको पास में मिल जाएंगे, वो एक ही 100 एकड़ एरिया में आपको पूरा सब चीज का दर्शन एक बार में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आप सब लोग, कार्तिक महीना चल रहा है, भगवान को जरूर लैंप दिखाइए और अपने साधना में और आगे बढ़िए। प्लीज चैंटिंग कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए और जितना हो सके भगवान को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है, अपने भक्ति को इसमें आगे जरूर बढ़ाइए। हरे कृष्णा।
थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।